दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड सेटिंग के बारे में। अपडेट के बाद साउंड सेटिंग में कुछ न्यू सेटिंग को ऐड किया गया है, जैसे कि एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड और क्विक मैसेज। तो ये किस प्रकार की सेटिंग है, कैसे इस सेटिंग को जो है यूज करना है, और ये जो सेटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ BR रैंक या क्लास स्क्वाड रैंक गेम खेलते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है बातें करना पसंद करते हैं गेम के अंदर, तो ये जो सेटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और कैसे आप सभी को इस सेटिंग को करना है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम साउंड सेटिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर जो है इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग से रिलेटेड जो है वीडियोज हमेशा मिलती रहती है। ओके, अब चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। आपको करना क्या है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा साउंड का ऑप्शन, इस पर आपको आ जाना है। और इसमें आप सभी को जो है बहुत सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिलेंगे। एक एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड और क्विक मैसेज के बारे में, जो कि न्यू ऐड किया गया है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूजिक के बारे में। तो इसको जो है आप अपने मन से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी आप अपने गेम को ओपन करते हैं फ्री फायर गेम को, तो आपको जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक देखने को मिलता है, सॉरी म्यूजिक सुनने को मिलता है। तो उसी म्यूजिक को जो है अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप जो है 0 रख सकते हैं। अगर आप उस म्यूजिक को जो है धीमी आवाज़ पर सुनना चाहते हैं तो आप जो है 10-20 तक रख सकते हैं। मैं जो है हमेशा 0 रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऑप्शन जो है हमारे फ्री फायर के लॉबी में दिया गया है। तो जब भी आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर जो है एक साउंड सुनाई देता है। तो साउंड को जो है आप अपने मन से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। आप ज़्यादा तेज साउंड सुनना चाहते हैं तो आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं, और कम सुनना चाहते हैं तो इसको घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किल स्ट्रैक नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब भी आप कोई भी गेम खेलते हैं और आप गेम के अंदर किसी भी इनेमी को किल कर देते हैं, तो वहाँ पर एक जो है नोटिफिकेशन देता है, बोलता है कि फर्स्ट किल, सेकेंड किल, क्वाड्रा किल, ऐसे करके। तो दोस्तों उसको जो है आप अपने मन से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितना तेज़ी से जो है आप उसको सुनना चाहते हैं या कम सुनना चाहते हैं। किसी किसी को जो है वो आवाज़ कूल लगता है, अच्छा लगता है, और किसी किसी प्लेयर को जो है वो आवाज़ जो है बेकार लगता है। तो आप जो है अपने मन से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन कैरेक्टर वॉइस का। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब भी आप लॉबी के अंदर कोई सा भी कैरेक्टर लेते हैं तो कैरेक्टर का भी एक आवाज़ होता है। जैसे कि आलोक का आवाज़ हो गया, केली का आवाज़ हो गया, उसी प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं, सभी कैरेक्टर का जो है अलग अलग आवाज़ होता है। तो लॉबी के अंदर जो है वो जो है अपने जो भी उनके आवाज़ को फिट किया गया है, उस आवाज़ को जो है लॉबी के अंदर कुछ कुछ समय पर जो है बोलते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप उस आवाज़ को जो है सुनना चाहते हैं और आप उसको बुलवाना चाहते हैं कैरेक्टर को, तो आप जो है इसको ऑन कर सकते हैं या तो आप ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन वॉइस चैट में वॉइस का, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो कभी कभार होता क्या है कि दोस्तों का जो है आवाज़ धीमी सुनाई देता है, तो आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं, यानी दोस्तों को आवाज़ सुनने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप जो है अपने मन से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों का से बात करते हैं रेगुलर टाइम, तो आप जो है इसको 100 पर रख सकते हैं, आपको जो है अच्छा क्लियर आवाज़ जो है सुनने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑटो बैलेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन ऑटो का, तो इसको जो है आप ऑटो पर रखिएगा। सेट फ्री फायर की सेटिंग में जो है मैनुअल ही ऑलवेज टाइम दिया रहता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड, जो कि न्यू ऐड किया गया है साउंड सेटिंग में। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ और आप लोग जो है समझिएगा। इसमें बताया गया है कि इसमें जो है इस ऑप्शन से होता क्या है। इसमें बोला गया है आफ्टर टर्निंग एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड ऑन, वॉइस चैट विल बी कंटिन्यू इवन व्हेन द ऐप इज स्विचेड टू डिवाइस बैकग्राउंड। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप इसको जो है ऑन करते हैं तो होता क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो है गेम खेल रहे होते हैं और उसी समय जो है हमारे मोबाइल का कुछ ना कुछ काम आ जाता है, और हम जो है उस काम को करने के लिए अपने फ्री फायर गेम को जो है होम बैकग्राउंड से कट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, और गेम को खेलने लग सॉरी काम को जो है करने लगते हैं। तो होगा क्या, जब भी आप कोई समय सा भी गेम खेल रहे हो और आप उस समय व्हाट्सएप पर या किसी से भी बात कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आप जो है बैकग्राउंड में इसको रन करते हुए छोड़ेंगे तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैकग्राउंड में ही बात कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोई सा भी गेम खेल रहे हैं BR रैंक या CS रैंक गेम, और आपको उसी समय कोई काम आ गया, किसी से
बात करना है, चैट करना है, या कोई काम आ गया या पेमेंट करना है कहीं पर भी, तो होता क्या है कि हम लोग जो है बैकग्राउंड से फ्री फायर गेम को जो है बैकग्राउंड में रन करता हुआ छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है अपना काम करते रहते हैं, और जबकि उसी समय गेम में भी होते हैं। तो होगा क्या, आप जो है अपने दोस्तों से बैकग्राउंड में ही बात कर सकते हैं, इसका सेटिंग ये है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटिंग लगा मुझे पर्सनली, मैं बताऊं तो ये काफ़ी अच्छा सेटिंग लगा मेरे को, और मैं जो इसे हमेशा ऑन पर ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक ऑप्शन क्विक मैसेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप सभी को तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, बेटर रॉयल, क्लास स्क्वाड एंड अदर मोड, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप बेटर रॉयल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फॉलो मी, हेल्प मी, गुड जॉब, एनिमी स्पॉटेड, गो गो गो, बी पेशेंट, जो कि आप सभी को जो है मैसेज में देखने को मिलता है। जब भी आप गेम को खेल रहे होते हैं और आप माइक बंद करके जो है गेम को खेल रहे होते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को जो है मैसेज करना चाहते हैं कि मुझे फॉलो करो, या इनमें जो है पास में ही है जो है मैसेज करने के लिए, उस मैसेज पर जो है क्लिक करते हैं ताकि जो है हमारे टीममेट को जो है सुनाई दे। ओके, तो अब आप कह सकते हैं आप जो है अपने मन से जो है ऊपर नीचे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि बेटर वाला रैंक के लिए मैं जो है सबसे ऊपर हेल्प मी को रखना चाहता हूँ, तो कहना क्या है, ये जो हेल्प मी है इसको जो है आपको यहाँ पर लाकर ऊपर में रख देना है। अब आपको दिखेगा क्या, जब भी आप मैसेज को ऑन करेंगे गेम खेलते समय, तो हेल्प मी जो है ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आप आई नीड गन को आप सेकेंड नंबर पर रखना चाहते हैं या थर्ड पर रखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, उसी पर आप सभी को जो है एक से दो सेकेंड तक क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आप इजिली जो है उसको मूव कर पाएंगे, आप अपने मन से जो है रख सकते हैं। उसी प्रकार से क्लास स्क्वायर रैंक के लिए भी कर सकते हैं आप अपने मन से सेटिंग, और अदर मोड जैसे कि कस्टम हो गया, साथ ही साथ लोन वोल्फ हो गया, और भी बहुत सारे मोड आते हैं गेम के अंदर, उन सभी के लिए जो है आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं रखने वाला हूँ हेल्प मी, उसके बाद फॉलो मी, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद मैं रखूँगा एनिमी स्पॉटेड, गो गो गो, बी पेशेंस, नाइस ट्राई, एंड ये जो सॉरी वाला जो आइकन है इसको भी मैं ऊपर रख लेता हूँ। तो आप अपने मन से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मेल और फीमेल का, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी मैसेज है, जैसे कि हेल्प मी, फॉलो मी, इनमी स्पॉटेड, गो गो गो, सॉरी, बी पेशेंट, अगर आप इस मैसेज को जो है मेल वॉइस में बुलवाना चाहते हैं इस मैसेज को, तो आप जो है मेल पर रख सकते हैं, और अगर आप इस मैसेज को फीमेल वॉइस में बुलवाना चाहते हैं तो आप जो है फीमेल रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मेल रख लेता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।